गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आर्टिकल AN का उपयोग के बारे में बताऊंगा, जो कंटिन्यू है अभी। यूज ऑफ आर्टिकल AN, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, प्लस एडजेक्टिव, यदि लंच बिफोर डिनर, ठीक है, के पहले यदि कोई एडजेक्टिव हो लंच ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव जैसे आपका लेट, एनाफ, लेट एनाफ, यदि इस प्रकार का कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन लगेगा, ठीक है, या टेस्टफुल। लंच ब्रेकफास्ट डिनर के पहले यदि कोई एडजेक्टिव लेट, एनफ या टेस्टफुल आता है तो उसके पहले AN लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने पहला लिया जैसे आई हैड, यहाँ छोड़ दिया लेट, लंच टुडे, ध्यान दीजिए यहाँ पर आई हैड लेट लंच टुडे, यहाँ देखिए लंच है और लंच के पहले आपका लेट यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है, ये लंच के पहले ये आपका एडजेक्टिव है। तो यदि कहा गया है कि लंच ब्रेकफास्ट या डिनर के पहले यदि कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले साउंड के अनुसार ए या एन लगेगा, तो यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। आई हैड ए लेट लंच टुडे, इसका मतलब हुआ कि मैंने आज अपना लंच देर से लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव, यहाँ ब्लैंक छोड़िए, टेस्टफुल डिनर
डे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिनर है और डिनर के पहले आपका टेस्टफुल है। टेस्टफुल जो है यह आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कहा गया है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के पहले यदि कोई एडजेक्टिव जैसे लेट, एनफ या टेस्टफुल आता है तो उस एडजेक्टिव के पहले साउंड के अनुसार ए या एन होगा, तो यहाँ पर ए होगा। और देखिए तीसरा, वी हैव, यहाँ ब्लैंक छोड़िए, एनफ फूड इन द मॉर्निंग, यहाँ देखिए एनफ और यहाँ फूड, देखिए फूड यानी फूड ले लीजिए, डिनर ले लीजिए या लंच ले लीजिए, तो फूड जो है फूड के पहले एनफ, आपका एनफ जो है यह एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कहा गया है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर या फूड, ठीक है, यदि उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले साउंड के अनुसार ए या एन होगा। तो देखिए यहाँ पर साउंड हो रहा है एनफ, एनफ यानी भावल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन, आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हैं, साधारणतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यदि उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से यदि किसी क्वालिटी, किसी गुण विशेष की जानकारी होती है तब तो वहाँ पर ए या एन आएगा। जैसे देखिए पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ दे देते हैं आपको समझने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो जानते हैं, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते और ना उसको छू सकते हैं, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है, पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, कि जिस नाउन को हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, केवल उसका हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसे नाउन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए पेन है, फीवर है, हीट है, ठीक है, हेडेक है, हेडेक, ठीक है, या हार्ट है, ठीक है, सिकनेस है, वीकनेस है, हेल्थ है या वेल्थ है, इटीसी, सब ये सब होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए एन के दृष्टिकोण से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन नहीं आता है, ठीक है। ए एन के दृष्टिकोण से जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, पेन, फीवर, हीट, हेडेक, हार्ट, सिकनेस, हेल्थ या वेल्थ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ग्रामर के रूल के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन नहीं आता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन भी माना जाता है, और ये भी नियम है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। तो किंतु
यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी खास गुण, ए काइंड ऑफ क्वालिटी का पता चले, तब उसके पहले ए एन का प्रयोग, उस अवस्था में ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, सपोज यदि मान लीजिए ये फीवर है, फीवर माने बुखार हुआ, तो बुखार है उसको हम मतलब केवल महसूस करते हैं, उसको देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो फीवर के पहले ए एन का यूज नहीं होगा, किंतु यदि वह फीवर कोई माने ए काइंड ऑफ फीवर हो, ए काइंड ऑफ क्वालिटी टाइप का फीवर हो, तब वहाँ पर ए एन का प्रयोग उसके पहले माने होना ही है साउंड के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम फीवर को कह दें कोल्ड फीवर, तो उसके पहले ए आएगा। हाई फीवर कह दें, उसके पहले ए आएगा। ठीक है, हीट है, हीट यानी गर्मी, तो हीट, अब हीट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इसके पहले ए एन नहीं होगा। लेकिन यदि हीट को हम कर दें एक्सट्रीम हीट कर दें, हीट तो है लेकिन माने उसका क्वालिटी क्या है, एक्सट्रीम है, तो जब एक्सट्रीम आ गया तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के माने के अनुसार यदि ए काइंड ऑफ क्वालिटी, यदि उसमें कोई गुण विशेष जब आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में, तब वहाँ पर ए एन का प्रयोग उसके पहले होगा। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव यहां ध्यान दीजिए ठीक से, देखिए आई हैव यहां ब्लैंक है, यहां बैड है और हेडेक है। यदि हम यहाँ पर ए बैड, बैड जो है, बैड माने बुरा या खराब, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई हैव या ज़्यादा भी हो सकता है बैड हेडेक। अब यहाँ देखिए हेडेक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यदि हम यहाँ से हम बैड को हटा देते हैं तो क्या होगा, आई हैव हेडेक, तो हेडेक के पहले ए एन नहीं आएगा। किंतु हेडेक यानी सिर दर्द, तो सिर दर्द तो है, बट सिर दर्द का क्वालिटी क्या है, क्वालिटी है बैड, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। He has caught in यहाँ पर छोड़ दिया cold fever। यहाँ ध्यान दीजिए fever आपका abstract noun है, ठीक है, तो यदि खाली fever होता तब यहाँ पर ए या एन नहीं आएगा। लेकिन फीवर यानी बुखार है, लेकिन बुखार का क्वालिटी क्या है, कोल्ड है, कोल्ड फीवर है, केवल सिंपली फीवर नहीं है बल्कि वो कोल्ड फीवर है, इसलिए ये फीवर का एक काइंड ऑफ क्वालिटी हो गया कोड लगा देने के बाद, इसलिए यहाँ पर ए या एन होगा, ए होगा। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, ही टुडे इज, यहां पर देखिए यहां ब्लैंक है और एक्सट्रीम यहां लगाते हैं, एक्सट्रीम हीट, यहां पर ध्यान दीजिए हीट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यदि k
केवल हीट रहता, ए नहीं रहता, तो यहाँ पर ए या एन नहीं होता, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन नहीं होता है। किंतु हीट यानी गर्मी, गर्मी का क्वालिटी क्या है ये समझना है। यदि गर्मी का क्वालिटी पता है तब वहाँ पर ए एन उसके पहले आएगा। अब देखिए, हीट है किंतु हीट का क्वालिटी क्या है, एक्सट्रीम यानी बहुत, एक्सट्रीम हीट यानी बहुत गर्मी। तो यदि हीट है लेकिन बहुत हीट यहाँ एक्सट्रीम जो है इस हीट की विशेषता को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर ए या एन आएगा, क्योंकि एक्सट्रीम का साउंड है वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन होगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कान की, इस तरह का जो सिचुएशन के बारे में आप लोगों को जानना और ध्यान रखना अति आवश्यक है। का ये थोड़ा टफ माने टफ प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन नहीं आता है, किंतु यदि वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई विशेष माने कोई विशेष प्रकार का हो, उसमें कुछ विशेषता हो, तब उसके पहले ए एन आता है। जैसा कि यहाँ देखिए, हेडेक, खाली हेडेक कहने से यहाँ पर ए या एन नहीं आएगा, किंतु हेडेक, बट हेडेक का क्वालिटी क्या है, बैड है। तो जब बैड है इसलिए यहाँ पर ए आ गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए, फीवर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीवर का क्वालिटी क्या है, फीवर का क्वालिटी कोल्ड है, इसलिए उसके पहले ए या एन आया। अच्छा, हीट देखिए, हीट यानी गर्मी, गर्मी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके पहले सिंपली केवल इसके पहले ए एन नहीं आएगा, किंतु यदि हीट का एक क्वालिटी हो गया एक्सट्रीम, तो जब हीट का क्वालिटी एक्सट्रीम हो गया तब उसके पहले ए या एन आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोगों को ये भी पढ़ाया गया होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में, कुछ कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले भी ए और एन होता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन तो आप जानते ही हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, जैसे राम, मोहन, सोहन, पटना इटीसी, है ना। जैसे आपको राम, मोहन, सोहन या इटीसी, ये हुआ प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन में प्रॉपर नाउन के साथ भी कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। बताइए आपको, जैसे मान लीजिए यदि कोई लड़का या कोई भी लड़की यदि सुरीली आवाज़ में कोई गीत गाती है तो बहुत लोग बोल देते हैं, अरे भाई ये तो लता के समान गा रही है, कहते हैं ना। या मुकेश, यदि कोई लड़का सुरीली माने आवाज़ में कोई गीत गा रहा है तो लोग उसकी तुलना मुकेश खन्ना से कर देते हैं ना, माने मुकेश से कर देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन यदि माने कोई लड़का माने बुद्धि में प्रखर है, बुद्धि में काफ़ी तेज है, तो लोग उस लड़के की तुलना कालिदास से कर देते हैं। ऐसा सिचुएशन माने बोलचाल की माने बोलचाल के दौरान आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो ऐसा यदि सिचुएशन आता है, ऐसे नियम तो ये है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन आता ही नहीं है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन यदि कुछ खास अवस्था में प्रॉपर नाउन के पहले ए एन आता है, कैसे, यदि उसमें कोई खास माने विशेषता हो, व्यक्ति हो, या व्यक्ति की जैसी माने ये सिचुएशन हो, तो वहाँ पर ए एन आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, देखिए।
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज रियल लता। यहाँ पर हम कहते हैं लता के बारे में आप जानते हैं, लता जो है माने ये क्या बोलते हैं पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका है, सिंगर है, ये सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी इज रियल लता, ठीक है, तो सी की तुलना लता से की जा रही है, मतलब कहा जा रहा है कि सी यानी वह जो लड़की है या वह औरत है लता के समान गाने वाली, सुरीली आवाज़ में गाने वाली है, ठीक है। तो एक्चुअली सी इज नॉट लता, किंतु सी की तुलना लता से की गई और कहा गया कि मतलब यह लता के समान गाने वाली है, ठीक है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए ये लता जो है आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, लता प्रॉपर नाउन है। एक्चुअली रियल को हटा दिया जाए तो यहाँ पर लता के लिए ए एन नहीं आएगा, किंतु मतलब ये लता जो है, लता को एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का यहाँ पर वर्णन है सी के बारे में। और दूसरा देखिए, राम इज, ओ यहाँ पर ए लगेगा, सी इज ए रियल लता, यहाँ पर तब यहाँ पर ए लगेगा। मैं बताना चाहता था यही है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं आता है, किंतु इस कंडीशन में यदि रियल लता सी की तुलना लता से की गई है और कहा गया है कि सी जो है वो लता के समान ही गाने वाली है या सुरीली आवाज़ में गीत गाने वाली है, तो वहाँ पर ए आया। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी इज काली दास इन विस्डम, विस्डम माने होता है बुद्धि, विस्डम का मतलब होता है बुद्धि। देखिए ध्यान दीजिए, राम इज कालिदास इन विस्डम, कालिदास इन विस्डम मतलब कालिदास का नाम आप लोग जाने होंगे, जो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत की रचना की थी, ठीक है। तो राम की तुलना कालिदास, राम के बारे में कहा गया है कि राम कालिदास के समान बुद्धि में प्रखर है या बुद्धि में तेज है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक्चुअली राम जो है, राम इज कालिदास इन विस्डम, ठीक है, राम कालिदास के समान ही बुद्धिमान है, इसलिए यहाँ पर ए आपका लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में नियमतः प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु ऐसे कंडीशन में जब किसी व्यक्ति की तुलना, और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पटना इज मिनी मुंबई, क्या कहा गया, पटना इज मिनी मुंबई, पटना इज मिनी मुंबई, पटना की तुलना मुंबई से की गई है और कहा गया है कि पटना जो है वो मुंबई के समान ही व्यस्त और बड़ा शहर है। कहा गया पटना इज मिनी मुंबई, पटना मुंबई की तरह, मुंबई के समान ही बहुत बड़ा और बहुत बड़ा व्यापारिक और धनी क्षेत्र है, ठीक है। तो या इस अवस्था में
इस अवस्था में ये जो प्रॉपर नाउन मुंबई है, एक्चुअली यदि मिनी को हटा दिया जाए तो मुंबई के पहले यहाँ पर एन नहीं आएगा, किंतु मुंबई पटना को मुंबई के समान है ना, पटना को मुंबई के समान कहा गया है, तो वहाँ पर इस सिचुएशन में वहाँ पर एन आएगा, तो यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। तो हो गया पटना इज ए मिनी मुंबई, पटना एक मुंबई के समान ही बहुत बड़ा और व्यापारिक क्षेत्र है या व्यावसायिक क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर नाउन होने पर भी ए एन का प्रयोग होता है, जबकि प्रॉपर नाउन के पहले यदि यहाँ पर मिनी नहीं होता, खाली मुंबई होता, तो यहाँ पर ए नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यदि यहाँ पर विजडम नहीं होता तो कालिदास, जो कालिदास के लिए यदि ये सब नहीं होता तो कालिदास के लिए यहाँ पर ए एन नहीं होता, ठीक है। अब चौथा कंडीशन देखिए, चौथा कंडीशन है यदि मान लीजिए आपका जैसे सच क्वाइट या राइदर सच क्वाइट या राइदर अ प्लस यदि सिंगुलर सच क्वाइट राइदर और सिंगुलर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कहीं कहीं आपको सेंटेंस में यह फॉर्म मिलेगा सच क्वाइट या राइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। उस अवस्था में भी इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यहाँ पर ए या एन होगा। जैसे देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। जैसे पहले हम सच को लेते हैं और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वाइट लेते हैं, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पर इजी प्रॉब्लम कर दिया, देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर सच क्वाइट राइदर ब्लैंक है और इसके बाद में आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ ध्यान दीजिए सच के बाद में आपका ये जो डे जो है, डे आपको नाउन है और नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यदि सच के बाद में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले साउंड के अनुसार ए या एन होगा, तो यहाँ पर आपको ए हुआ, सच ए डे, बात समझ रहे हैं ना। सच डे, सच के बाद में यदि ए डे जो है नाउन है और नाउन कैसा है, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो यदि सच के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस नाउन के पहले साउंड के अनुसार ए या एन होगा। यहाँ ध्यान दीजिए क्वाइट, क्वाइट इजी प्रॉब्लम, क्वाइट इजी प्रॉब्लम, तो इजी प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है आपका सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यदि ये प्रॉब्लम काउंटेबल नाउन है और वह भी सिंगुलर है
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। तो यहाँ पर अब साउंड के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, ईजी, ईजी यानी ई यानी भावल स्वर है, तो यहाँ पर हो गया एन। तो इस सिचुएशन में भी आपको सावधानी से ए एन का डिटर्मिनेशन करना होगा, ठीक है ना। ऐसे केवल ए एन का डिटर्मिनेशन के लिए केवल इतना ही कहना सफिशिएंट नहीं है कि जिस शब्द का फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू हो तो वहाँ पर एन लगा दीजिए, और यदि इसमें से कोई नहीं हो तो वहाँ पर ए लगा दीजिए। इतना ही, केवल इतना ही कहना और इतना ही जानना और इतना ही पढ़ना जो है सफिशियंट नहीं है, क्योंकि ए एन के डिटर्मिनेशन के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है, ठीक है। अनेक सिचुएशन में जहाँ पर ए एन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर ए नहीं होना चाहिए वहाँ पर समझे कि ए होता है, जहाँ पर एन नहीं होना चाहिए है ना वहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर एन होता है। तो ऐसे कंडीशन जो है कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ ए होना चाहिए वहाँ पर एन आता है, जहाँ एन होना चाहिए वहाँ पर ए आता है। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि साउंड देखा जाता है, तभी ये संभव है कि आप ए एन का निर्धारण बिना गलती किए हुए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा कंडीशन एक और है, समझ लीजिए। पांचवा प्रॉब्लम कंडीशन जो है आपका, सपोज मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल ये देखिए गर्ल, ठीक है, दूसरा सी इज गुड गर्ल, और तीसरा सेंटेंस सी इज वेरी गुड गर्ल। तीनों सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले लिखा गया सी इज गर्ल, अब बताइए थोड़ा सोच के, सी इज गर्ल, अब आप बता सकते हैं कि ये जो गर्ल आपका सिंगुलर नाउन है, तो जब गर्ल सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले क्या होगा, एन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गर्ल गौ साउंड हो रहा है, भावल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखिए, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में गर्ल है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो लास्ट में गर्ल है और ठीक उसके पहले गुड है जो कि एडजेक्टिव है। अब बताइए हम ए या एन कहाँ बैठाएं? तो नियम यही होता है कि यदि लास्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले ही ए या एन आएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, कारण कि अब तो गर्ल के पहले तो ए आएगा नहीं, क्योंकि गर्ल के पहले गुड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले ए या एन आएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, गर्ल के पहले गुड एडजेक्टिव है और फिर गुड एडजेक्टिव के पहले वेरी एडवर्ब है। अब बताइए ए कहाँ लगाएं? अब यदि हम गर्ल के पहले ए लगाते हैं तो नहीं चलेगा, इसलिए कि यदि आपको नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और ये एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो उसके पहले ही ए या एन आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले ए या एन आएगा, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो
फिर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो उस एडवर्ब के पहले ही ए या एन आएगा। ठीक है, आज मैं ए एन का आर्टिकल का जो चैप्टर है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके बाद में मैं आपको वही भी मैं बताना आवश्यक समझता हूँ कि ये तो हुआ कि ए एन का निर्धारण, ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन ये भी जानना आवश्यक है कि ए और एन कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ये भी जानना आवश्यक है, जो मैं कल से इसके बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक्स।